आत्मा या आत्मन पद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण प्रतियों अथवा विचारों में से एक है। यह उपनिषदों के मूलभूत विषय वस्तु के रूप में आती है, जहां इससे अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है, जो कि शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा का निरूपण श्रीमद् भागवत गीता यह गीता में भी किया गया है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जीव अथवा चेतना को अजीव अथवा शरीर से पृथक बताया गया है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है, जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में मौजूद हूँ। यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। आत्मा प्रकाश पुंज है, जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आँख, कान, मुख तथा हाथ पैर नहीं होते, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रोफेसर के सुंदरम का भी कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त होता है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती और उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है, तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। तो ये थी आत्मा से संबंधित कुछ विचार या धारणाएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।